नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही सिंपल सी चर्चा करने वाले हैं एडसेंस पे कैसे अप्लाई करें अपनी वेबसाइट के लिए। सिंपल तरीका है, आपको आपके पास अपना एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। आप याद रखिए, एडसेंस अप्लाई करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें आपको जानना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आपके पास केवल एडसेंस का एक ही अकाउंट होना चाहिए। जैसे कई लोग दो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये इलीगल है। एडसेंस केवल परमिशन देता है कि आप एक ही एडसेंस अकाउंट रख सकते हैं। अगर आप दूसरे रखते हैं तो आपको पहला जो है वो डिलीट करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, फिर ही आप दोबारा दूसरे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास ऐसी कोई कंपनी है और उसके कर्मचारी हैं जिस पे आप पेमेंट लेना लेते हैं उस कंपनी के नाम से, यानी एक तरीके का फॉर्म चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं और फिर उस कंपनी के नाम से ही पेमेंट लेंगे, तब आप एक दूसरा भी एडसेंस अकाउंट रख सकते हैं। अदरवाइज आप दो एडसेंस अकाउंट नहीं रख सकते। इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च करिए क्या रीज़न है। कई लोग दो एडसेंस अकाउंट रखते हैं अलग अलग नामों से। अगर आपको रखना है या घर में और कोई है उसके नाम से रखना है तो रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पर्सन के लिए एक एडसेंस होता चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वेबसाइट बनाते हैं और भी यूट्यूब भी उनका होता है, तो वो चाहते हैं कि यूट्यूब का अलग चले और वो अलग चले, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको एक ही रखना चाहिए और कोई कुछ भी कहे आप एक ही रखो। हम भी बहुत 6-7 साल से ज़्यादा हो गए होंगे और तब से चला रहे हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा एडसेंस वेबसाइट का भी वही है, उसका भी वही है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जब तक आप कुछ गलत ना खुद करो या किसी से कहो गलत करने के लिए कि वो आपकी वेबसाइट पे गलत करे, तो जब तक आप इलीगल ट्रैफिक या कहीं से इम्प्रेशन नहीं करवाते हैं और बेकार में क्लिक नहीं करवाते हैं तो एडसेंस सस्पेंड नहीं होता है। अब तो जो भी आपके इलीगल क्लिक्स होते हैं वो डिडक्ट होकर के वो माइनस हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपका यूट्यूब का और वेबसाइट की अर्निंग अगर $40-50 इसमें हो रही, 40-50, तो आपका $100 के आसपास बन सकता है। ये भी एक अच्छा फ़ायदा है कि आपको पेमेंट जल्दी रिलीज हो जाएगी। अगर आपका अलग अलग एडसेंस अकाउंट है तो दिक्कत होगी, आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये तो आपके कॉमन सेंस पे है क्या करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें एडसेंस पे अप्लाई करना बेसिक सी चीज़ है कि आपकी वेबसाइट पे देख लो गूगल वेब मास्टर टूल एनालिटिक्स टूल पे कनेक्शन है कि नहीं। आप वहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं, बिल्कुल हम कर चुके हैं। यहाँ पे डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस का पेज है। इस वेबसाइट को चेक करो कि आपकी वेबसाइट की होस्टिंग सही है कि नहीं, यानी आपकी वेबसाइट इमीडिएट लोड हो रही है कि नहीं। अगर इतने काम है और कम से कम 40-50 ट्रैफिक पेज व्यूज हो रहे हों ऐसे, तब तो काम बन जाएगा। और 200-250 अगर इम्प्रेशन डेली आ रहे हैं तो आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितना महीना पुराना होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ 1.5-2 महीना अगर आपने अच्छे तरीके से 1.5 महीना काम किया है तो कुछ ना कुछ ट्रैफिक आ ही रही होगी। तो हम सीधे चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक यूट्यूब का अकाउंट है। यूट्यूब अकाउंट पे यहाँ पे एड्स लिखा है, देखिए यूट्यूब अकाउंट का एड है और इसने कहा है कि अगर आप वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं तो वेबसाइट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, एक्शन लीजिए। एक्शन जैसे ही लेंगे ये आप साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे ऐड साइट का ऑप्शन आएगा और वेबसाइट अभी ये होस्टिंग पे है, मतलब एक होस्टेड एडसेंस अकाउंट है, यानी इसकी होस्टिंग भी गूगल प्रोवाइड करवा रहा है यूट्यूब का या ब्लॉगर का। अब एड्स फॉर कॉन्टेंट के लिए आप अप्लाई करने चल रहे हो। एडसेंस कंटेंट की अर्निंग लगभग 70% के आसपास होती है, जबकि इसकी 55% एडसेंस जो आप होस्टेज अकाउंट लेते हैं तो एडसेंस फॉर कंटेंट का जो अर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे 100% आपका है और यहाँ पे कोई वेबसाइट पे क्लेम नहीं होता। जैसे आप कई बार शिकार हो जाते हैं कि आपका बार बार एडसेंस डिसेबल हो जाता है। अगर आपका एडसेंस फॉर कंटेंट है तो कॉपीराइट का कोई टेंशन नहीं रहता, बल्कि जब आपके पास ब्लॉगर पे रहता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू आता है, अगर आपने कहीं से इमेज वगैरह उठाया है तो। यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, ये गूगल मानता है कि ये सब आपका टेंशन है। अगर आप फंसते हैं तो आप दोनों पार्टी सुलह करें, मुकदमा करें, जो मर्जी वो करिए। तो यहाँ से आपको क्या लेना है,
क्लिक करना है, अपना यूआरएल लेना है। अब यूआरएल इंसर्ट करने के लिए कई लोग ये बहुत बार पूछते हैं कि एचटीटीपी के साथ करें, एचटीटीपीएस के साथ करें, डब्ल्यूडब्ल्यू नॉन डब्ल्यू। भाई डोमेन नेम आपका केवल इतना है, ना तो उसमें एचटीटीपी है, ना तो एचटीटीपीएस है, ना तो डब्ल्यूडब्ल्यू है, कुछ भी नहीं है, केवल आपका जो नेम है .com.in ये है, बस इतना सा ही आपका डोमेन है, यही इंसर्ट करना रहता है बस। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना रहता है। ये कुछ चीज़ें बताता है कि आप जो HTML कोड दिया गया है इसको कॉपी कर लो। हम यहाँ पे एक क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। ये कहता है कि आप इसको हेडर सेक्शन में, ये देखिए हेड टैग दिया गया है ना, हेड टैग में इंसर्ट करो। यानी अगर हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं तो हेड में क्या होता है, हमारा मेटा होता है। अगर हम कंट्रोल यू क्लिक करते हैं तो कंट्रोल यू जब आप करोगे तो यहाँ पे कंट्रोल एफ से अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको हेड मिलेगा, और जो हेड मिलेगा वहीं पे आपको ये इंसर्ट करना रहता है। तो अब ये हेड जो मिला इसके नीचे यहीं पे कहीं पे आप कर दो, ताकि जहाँ से आपका, और हेड ख़त्म होने के पहले ही करना है। तो अब ये इतनी सारी टेंशन हम लोगों को क्या थीम में चल के, हेडर सेक्शन में चल के उसको इंसर्ट करें, काफ़ी कब अगर हम अपनी थीम अपडेट करें तो रीसेट हो जाए, तो हमें इसका टेंशन नहीं लेना है। तो हमने एक प्लगइन बताया था आप लोगों को, अपनी वेबसाइट में ज़रूर इंस्टॉल करके रखो। इस ये मल्टीपर्पज़ है हेडर सेक्शन के लिए, जिसका नाम है हेडर एंड फुटर, और ये बहुत ही एक फेमस वेबसाइट है जिसका नाम है WP Beginner। मैं काफ़ी हेल्प लेता हूँ वहाँ से, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी जो वर्डप्रेस पे काम करते हैं उनके लिए। काफ़ी ज़्यादा बग वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ से काफ़ी नॉलेज लेके आप फिक्स कर सकते हैं। उनके द्वारा ये WP Beginner द्वारा ये दिया गया, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट। इसका जो रूट क्रिएट होगा वो यहाँ पे होगा सेटिंग में, सेटिंग में हेडर एंड फुटर सेक्शन में। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आएंगे, हेडर का भी बॉक्स, फुटर का भी बॉक्स। यहाँ पे आपको ये अपना कोड पेस्ट कर देना, आप कहीं भी ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस दे करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमने कोड इंसर्ट कर दिया और उसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, तो सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपका सेव है तो ये चेक कर लेगा कि आपने अपने हेडर सेक्शन में कोड प्रॉपरली इंसर्ट किया कि नहीं। जी इसने ये बता दिया कि आपका आप जो है प्रॉपरली आपने इंसर्ट कर लिया है। ईमेल ज़रूर मिल जाएगा आपका, एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया या अप्रूव्ड किया गया। अगर अप्रूव्ड किया गया है तो आपको ऐड कोड कैसे जनरेट किया जाता है इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया था, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आई होप आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कैसे एडसेंस कोड अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करते हैं अप्रूवल के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।